हेलो स्टूडेंट्स, सो अब तक जो भी लेक्चर हुआ है हमने बात किया है किसके बारे में, फोर्स के बारे में बात किया है, ठीक है। सो अब से जो लेक्चर होगा ये हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, प्रेशर के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, प्रेशर के बारे में। तो सबसे पहले प्रेशर का हम क्या देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। सो प्रेशर का डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है, व्हाट इज़ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर होता है, इट इज़ फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया, ठीक है। सो प्रेशर का डेफिनेशन क्या हुआ, फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन यूनिट एरिया, ठीक है। सो ये है प्रेशर का डेफिनेशन। अब देखते हैं इसको थोड़ा मैथमेटिकली टर्म में भी देखते हैं। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, और आप यहीं से पढ़ लेते हैं, ठीक है, यहीं से आप समझ लो, बहुत इजी है समझना। यहाँ से प्रेशर का मतलब क्या हो गया, फोर्स अप्लाइड ऑन एरिया, ठीक है। हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे आयरन नेल का, अगर आपने वो ओल्ड वीडियो दूसरे चैनल पे अगर देखा रहेगा तो आपको पता रहेगा कि हमने जो एग्जांपल लिया था वो कौन सा था, एक आयरन नेल का एग्जांपल था, ठीक है। एक साइड क्या रहता है, एक साइड शार्प रहता है, निप अच्छा खासा रहता है, एंड दूसरे साइड से क्या करते हैं हम लोग, हैमर करते हैं, ठीक है। तो अब इतना लॉजिक है कि वो तो एक खिल्ला है ना, ठीक है, तो एक साइड में एरिया कम है और दूसरे साइड में एरिया ज़्यादा है। तो जिस साइड में एरिया कम है उस साइड को अगर वॉल पे रखूँ और पीछे से मारूँ तो वो किधर, वॉल में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस साइड में एरिया ज़्यादा है अगर उधर से वॉल में ये करने की कोशिश करूँ तो वो नहीं जाता है, ठीक है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि आंसर हमको इधर मिलता है। प्रेशर जो भी है ये एरिया से ना इनवर्स रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, एग्जैक्टली अपोजिट, उल्टा रिलेटेड है, ठीक है। अगर एरिया जो है ये बढ़ने लगेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ मैंने बोला कि प्रेशर अगर और अच्छे से जानना है तो इसका कोई परफेक्ट ये नहीं है, ठीक है, कि आप इस ये वाला चीज़ याद रखोगे तो आपको प्रेशर एकदम 100% अच्छे से आ जाएगा। इसका सिर्फ एक ही चीज़ है, आप ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। प्रेशर क्या हो गया, फोर्स अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। और ये जो भी प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं इट इज़ ऑलवेज 90 degree, मतलब परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। कैसे होता है, एकदम परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी इसके आगे थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं प्रेशर के बारे में। तो हमको अब तक ये पता है, ठीक है, अब तक हम क्या जानते हैं, अब तक ये जानते हैं कि फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं किस में, न्यूटन में मेजर करते हैं, किस में, न्यूटन में। और एरिया को जो भी मेजर करते हैं ये करते हैं हम लोग मीटर स्क्वायर में। तो प्रेशर का, किसका, प्रेशर का जो भी SI यूनिट है, कौन सा यूनिट, SI यूनिट इसका क्या हो गया, प्रेशर का SI यूनिट हो गया, ये दिख रहा है न्यूटन, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जो साइंटिस्ट लोग थे उनको बार बार ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखना अच्छा नहीं लगता होगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोल दिया, ये क्या है, PA, पास्कल्स, क्या बोल दिया उन्होंने, पास्कल्स, की जो भी प्रेशर है उसको हम लोग किस में मेजर करेंगे, पास्कल्स में, ठीक है। ताकि जो भी हम लोग पढ़े, जो भी अगर प्रेशर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो, थोड़ा और कन्वीनियंट हो, ठीक है। तो ये था प्रेशर के बारे में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं प्रेशर कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा चीज़ है, अगर मैं बोलूं प्रेशर इन सॉलिड तो ये हर जगह होता है, प्रेशर इन सॉलिड आपके बुक में जो एग्जांपल दिया है वही एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसमें क्या दिया है, एक सिंपल सा टेबल दिया है, ठीक है, एक टेबल पे क्या अलग अलग बुक्स रखे हैं, ठीक है, ये बुक वन, दिस इज़ बुक टू, ये बुक थर्ड और ये बुक फोर्थ, चार बुक है, चारों मैंने क्या किया, अलग अलग जगह पे रखा है। सो ये वाला जो बुक है वो इधर प्रेशर लगा रहा होगा, ये वाला बुक इधर प्रेशर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है और ये
इधर। तो ये पहला केस था। दूसरे केस में मैंने क्या किया, ये तो टेबल वही था, अब सारे बुक्स को एक के ऊपर एक रख दिया, ठीक है, सारे बुक को क्या किया, एक के ऊपर एक रख दिया। अभी प्रेशर इसके ऊपर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो जो सेकंड वाला फिगर है उसमें आप देखोगे कि ये जो भी आपका टेबल था ये हल्का सा क्या हो गया है, बेंड हो गया है, हल्का सा क्या हो गया है, बेंड हो गया है, नीचे की तरफ चला गया। क्यों क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि अगर यहाँ पर देखोगे तो ये वाला एरिया वन, मान लो ये क्या है आपका फर्स्ट एरिया है, ये सेकंड बुक जो एरिया लगा रहा है ये जो प्रेशर लगा रहा है वो एरिया टू पे लगा रहा है, जो थर्ड बुक लगा रहा है वो एरिया थ्री पे, और जो फोर्थ वाला है ये लगा रहा है एरिया फोर के ऊपर प्रेशर, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो फर्स्ट बुक किधर, यही एरिया पे प्रेशर लगा रहा है, सेकंड बुक भी किधर, यही एरिया पे प्रेशर लगा रहा है, थर्ड भी सेम, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो प्रेशर लग रहा है वो कम एरिया पे लग रहा है, जो प्रेशर लग रहा है वो किस पे लग रहा है, कम एरिया पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो भी प्रेशर है वो बढ़ जाएगा ना, ठीक है। सो जो अपने बुक में एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल है एक, कि अगर एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, हमने घर में ही देखा रहेगा, जो मम्मी है वो नाइफ से क्या करती है, चॉप करती है ना, ठीक है। तो उसके दो जो नाइफ है उसका दो रीजन रहता है, एक जो बड़ा शार्प रहता है और दूसरा क्या रहता है, जो हम लोग बोलते हैं शार्प नहीं रहता है, ठीक है। तो जो भी शार्प रहता है उससे ईजिली कट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इमेजिन उसको उल्टा करके काटने की कोशिश करें तो ईजिली कटेगा क्या, वो ईजिली नहीं कटेगा, उसमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है, कट तो जाएगा लेकिन ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। तो अभी सिंपल सी लॉजिक बताओ कि जो शार्प था उसका एरिया क्या था, बहुत कम था, तो प्रेशर ज़्यादा लगा और फटाफट कट गया, ठीक है। और जो शार्प नहीं था उसमें एरिया क्या था, ज़्यादा था, समझ में आ रहा है। तो जब उसमें एरिया ज़्यादा था तो फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ा, बराबर है, ठीक है। नाउ अब मैं बात करूँगा प्रेशर इन लिक्विड्स, लिक्विड के बारे में, लिक्विड में प्रेशर कैसे लगता है, वो भी बहुत सिंपल है। ठीक है, अभी हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, सेकंड इज प्रेशर इन लिक्विड्स, प्रेशर इन लिक्विड्स। सो अगेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, एग्जाम्पल के ही इससे। तो अभी इमेजिन वी हैव टू टब्स, हमारे पास दो बॉटल्स या फिर टब जो बोल सकते हो आप, ठीक है। सिंपल, अभी मैं बोलता हूँ इसमें इतना ज़्यादा पानी भर के रखा था मैंने, ठीक है, राइट, और इसमें एकदम कम था, या फिर मान लो ये एम्प्टी ही था। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक होल किया और इधर भी होल किया एंड दोनों में एक पाइप ज्वाइन कर दिया, बराबर है। सो आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद मैं क्या देखूंगा कि इसमें से जो पानी है वो निकल के इधर चला गया, कुछ सम अमाउंट ऑफ वाटर। फिर मैंने लास्ट में एंड नोटेशन मेरा क्या था, लास्ट वाला जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया वो क्या था, लास्ट वाला जो भी चीज़ ऑब्जर्व किया कि दोनों का वाटर लेवल क्या हो गया है, सेम हो गया है, दोनों का वाटर लेवल क्या हो गया, सेम हो गया, राइट। सो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसके बाद में बात करूँगा प्रेशर कैसे लगता है, ठीक है। अभी इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें पहले क्या था, पानी ज़्यादा था, ठीक है, और इसमें क्या था, पानी कम था, तो यहाँ से यहाँ चला गया। सो एक चीज़ होता है, जो भी फ्लूइड्स होते हैं, क्या होते हैं, पहले हम लोग फ्लूइड्स की बात करेंगे। फ्लूइड जो भी होता है, समथिंग विच कैन फ्लो, कोई भी चीज़ क्या हो सके, फ्लो हो सके, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लूइड्स। एग्जाम्पल अगर इसका चाहिए तो एयर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ये सब क्या कर सकते हैं, ये सब फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका एक प्रॉपर्टी है, ये हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से, किधर, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रैवल करते हैं, कैसे, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें पानी ज़्यादा था, ठीक है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था और इसका कम था, तो ये किधर से, इधर से इधर ट्रैवल करेगा। सो ये सिंपल सा चीज़ है। अभी इमेजिन हमारे पास सिर्फ एक ही बॉक्स है, ठीक है, अभी क्या, एक बॉटल जो हमारे बुक में सिंपल सा जो एग्जाम्पल दिया है उसी की बात करता हूँ मैं। ये रहेगा टोटली प्रेशर के बारे में,
ठीक है। इमेजिन ये बॉटल है, इसमें पूरा फुल पानी भर के रखा है, फुल, इट इज़ फुल फिल्ड विद वाटर, ठीक है। अभी मैं इसमें तीन होल करने वाला हूँ, 1, 2 और 3, सही है। सो मैंने जो ऑब्जर्व किया, यहाँ पे जो होल किया, यहाँ से पानी निकलने लगा और इधर गिर गया, ठीक है, सही है। जो सेकंड वाला था, यहाँ से पानी निकला और थोड़ा दूर गिरा, ठीक है। और जो थर्ड वाला था, इससे तो पूछो मत, इससे इधर पानी गिर रहा था, ये क्या हो रहा है। सो जो भी लिक्विड होता है, ठीक है, आप किसी भी कंटेनर के अंदर फील करो या फिर कहीं पर भी, जो लिक्विड होता है एकदम नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ सबसे ज़्यादा प्रेशर लगता है, ये याद रखना, ठीक है। सो ये नॉर्मल सा बेसिक सा एग्जांपल था जो हमको किसका किसके बारे में बता रहा था कि लिक्विड के अंदर प्रेशर कैसे लगता है, लिक्विड कैसा रहता है, लेयर बाय लेयर बाय लेयर क्या रहता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन एक्सपीरियंस करेगा, जो एकदम नीचे है, ठीक है। सो इसीलिए ये उसका था एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कि हाँ, जो भी वाटर कॉलम है नीचे वाला जो भी है, उसमें प्रेशर सबसे ज़्यादा लगता है, दैट इज़ द रीज़न। ये देखो, ये जो नीचे वाला जो होल था वो सबसे ज़्यादा दूर पानी फेंका, ठीक है। ये था लिक्विड्स के बारे में, ठीक है। सो जैसे सॉलिड्स में प्रेशर लगता है, जैसे लिक्विड में प्रेशर लगता है, वैसे ही किस में भी प्रेशर लगता है, एयर में भी प्रेशर लगता है, ठीक है। सो एयर के प्रेशर के बारे में और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक आप ये चीज़ जो भी हमारे बुक में दिया है उसको क्या करो, बुक के थ्रू जाइए, ठीक है, और जो भी चीज़ नहीं समझा जस्ट लेट अस नो, ओके, थैंक यू।